वो शायद गिर जाएगी। आटा गिरा दिया, पूरा किचन भी खराब कर दिया। साना, हेलो साना, ये सब रेडी होने में कितना टाइम जाएगा? 15 से 20 मिनट। और जूस रेडी है? हाँ रेडी है। और स्नैक्स, सब स्नैक्स बन गए ना? स्नैक्स भी बन गए। अच्छा वो एंट्रेंस पे किसी को वेलकम ड्रिंक सर्व करने के लिए रखा है ना? हाँ मैंने बोल दिया। अच्छा सुनो, तुम्हें सारे काम टाइम पर परफेक्ट तरीके से पूरे चाहिए? पूछ रही हो या धमकी दे रही हो? चाहिए कि नहीं? तुम मेरे साथ आओ और मेरी हेल्प करो। हेलो मैडम, ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, टेक इट टेक इट। मेरा काम है तो मुझे करने दो ना, इसे बार बार सवाल पूछ कर ना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और तुम्हें पता है यहाँ जितनी देर खड़े होकर मैंने तुम्हें जवाब दिया है ना, इतनी देर में अपने घर से बाजार जाकर अपने पूरे महीने का राशन ला सकती हूँ, और वो भी MRP से कम पैसों में। तो तुम समझ रहे हो तुम मेरा कितना कीमती टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो, अपना काम कर रही हो और बातों में तुमने लगाया। और तुम्हें लड़ने का बहाना मिल गया रे, तुम सब लड़कियां ऐसी होती हो क्या? हम लड़कियों का तो पता नहीं, पर तुम इकलौते सिंगल पीस सैंपल। देखो तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, समझी ना? एक्सक्यूज मी, मैं स्मार्ट बन नहीं रही हूं, मैं स्मार्ट हूं। वेरी फनी, तुम्हारा नाम शाहाना नहीं सहाना होना चाहिए, क्योंकि मुझसे सहाना गया। यू अनबेयरेबल। और तुम्हारा नाम आर्यन नहीं? ओके कम ऑन, आई एम लिसनिंग, गो अहेड। सोच के बताती हूं। These girls. अच्छा लग रहा है ना सब? हाँ, मैंने सारी सेटिंग जो अच्छे से की है। अच्छा, और ये फूलों की डेकोरेशन, सारी ब्यूटी ना उसी से आ रही है। ओ हेलो, तूने फूल लगाए हैं, उगाए नहीं है, जो सारा क्रेडिट ले रही है। अच्छा, और ये चादर तूने के अपने हाथ से स्टिच की है, ऐसी क्रेडिट ले रही है? कुछ भी अमराची, मैंने वो जो सारे काम, चुप कर, कितनी बातें कर रही है। पता है गेस्ट आते होंगे, पूरी तैयारी करनी बाकी है, बुफे सेट करना है, उनके सामने ऐसे काम करेंगे अच्छा लगेगा क्या? चाची तो टेंशन मत ले, अगर कोई आ भी गया ना तो हम स्टैचू बन जाएंगे, ऐसे बुफे टेबल के पास स्टैचू होते ऐसे और ऐसे झुकते हैं। True, that is so wrong, that is so wrong. Everything is fair in love and war. You are gone, man. अकल से तो होई, आंखों से भी अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता इतना सारा डेकोरेशन कर रखा है। आर्यन, इसको बोल ये मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी है और यहाँ पे ये सिर्फ एक केटर है, जहाँ पे ये मुझे कुछ नहीं बोल सकती। सो ये इसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, तुम इसे कुछ नहीं बोल सकती। तुम चुप करो, तुम्हारे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है ना तो हमसे ज्यादा फिक्र तुम्हें होनी चाहिए। लोगों का हाथ नहीं बटा सकते, एटलीस्ट उनका काम तो मत बिगाड़ो। और बाय द वे, इतनी शॉर्ट नोटिस में इतना अच्छा काम करने की कोशिश करे तो पागलों की तरह पकड़म पकड़ाई क्या खेल रहे हो? मतलब जरा सी भी अकल नहीं है तुम्हें? हमारा नहीं, कम से कम अपने पेरेंट्स का तो लिहाज रखो। ये पार्टी जो है ना वो उनके नाम से जानी जाएगी, हमारे नाम से नहीं। भाई ये सब एक सांस में बोल गई यार, मैं कैसे रिपीट करूं? सुन लिया मैंने यार, इससे ये पूछ कि पूरे घर में इसको यही जगह मिली थी जहाँ पे हम खेलते हैं। यहाँ पे हम खेलते हैं, तुम्हें पूरे घर में यही जगह मिली थी? हेलो,
ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है, यहाँ पर ना हमें बुफे के लिए जगह दी गई थी। ओ हेलो मैडम, वो दोनों बात कर रहे हैं, तुम हो कौन बीच में बोलने वाली? और तुम क्या बोल रहे हो? उसके पेरेंट्स की पार्टी है, हमारा केटरिंग है, तुम्हारा क्या है? मेरा भाई है, मैं मेरे भाई के लिए बोलूंगा। और वो भी मेरी बहन है, मैं भी अपने बहन के लिए लड़ूंगी। भाई अब तो ये भी चालू हो गई यार बोलना। मैं बोलूंगी पर तुम नहीं बोल सकते हो, और अगर कुछ बोलना भी है ना तो प्लीज अच्छा बोलो, ऐसे बीच में ना पटर पटर करने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। जाने दे शाना, ये तो लोग ही पागल है, हम तो प्रोफेशनली बात करें, पर्सनल लड़ाई नहीं है इनसे हमारी। अच्छा मैं भी तो वही कर रही हूँ ना, प्रोफेशनल काम कर रही हूँ। तुम बीच में मत बोलना दोबारा। ओ तुमसे तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्या बकवास किया जा रही है ये। मैं तुमसे बात करना चाह भी नहीं रही हूँ, और तुमसे बात करके ना मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तुम जैसे आलतू फालतू लोग मुझे चाहिए नहीं अपने आसपास। थैंक गॉड फोन आ गया, बाय। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है यार, आई विल सी यू इन सम टाइम। हेलो, इसने मेरी बात काटी, मेरी इंसल्ट करके गया ये, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। ये सब ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, इतनी घटिया सी शक्ल लेके आनी आते ना तो ये लड़ते भी नहीं। अब जो तूने बिगाड़ा है ना अपने हाथों से ठीक करोगे ये टेबल भी और उन्हें भी। मैं ठीक करूंगा? Yes. अपने हाथों से? Yes. No way. कोई वे छोड़ूंगी भी नहीं मैं तुम्हारे लिए, ये जो तुमने बिगाड़ा है ना जस्ट Fix it. My God, मैं आपके लिए टॉवल ले जाती चाहिए था, शायद मेरे कपड़े इसीलिए खराब हुए ताकि मैं पहनूं। क्या भाग्य? डेस्टिनी। आई एम गोइंग टू चेंज। हेलो, ओए, हेलो आर्यन के बच्चे। डूड जस्ट शट अप। हेलो, नो सेठा, नो 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 नो, हाय। Yeah, I'm good. Tell me what are you doing? No. He is not good. A sweet? वो तो बिल्कुल भी नहीं है sweetheart. इसका ना दिमाग बढ़ते करके साथ घटता गया. So now he is a man without brain. No brain वाला? हाँ. What the hell are you saying? मेरे पे गिरना मत. अगर तुम मुझ पे गिरे ना, तुम्हारा फोन मैं तोड़ दूँगी. और सुनो, जब next time मैं बात करूँ ना, वहाँ से भागना नहीं. मुझे गुस्सा आ जाता है, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं. How dare you? तुमने मेरा फोन छीना कैसे? ऐसे. मैंने पूछा तुम्हारी हिम्मत कहाँ से हुई मेरा फोन छीनने की? देखो मैं एक ही काम ना बार बार नहीं कर सकती। अच्छा, बदतमीजी तो घड़ी घड़ी कर लेती हूँ, तब फर्क नहीं पड़ता। बदतमीजी काम नहीं होता, बदतमीजी बिहेवियर होता है जो तुम नहीं समझोगे। तुम वो ना एनबी, मिस्टर नो ब्रेन। डूड स्टॉप कॉलिंग मी एनबी। और नाम ना मुझे याद नहीं आया, वरना मैं तुम्हें इससे भी बुरे नाम देती, इतने नाम देती ना कि तुम अपना असली नाम भूल जाते। और तुमने मुझे क्या नाम दिया था? हाँ, सहाना। मिस अनबेरेबल ना, मैं तुम्हें इससे भी बॉस नाम दूंगी। मंकी कहाँ से? हेलो, नॉट एक्सेप्टेबल। गिफ्ट नहीं दे रही, नाम दे रही, रखना पड़ेगा। हेलो मैडम, बोला ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज आई एम रियली गुड लुकिंग। अरे किसी ने मजाक किया हो तो, और तुमने सीरियसली नहीं ले लिया? देखो दोस्त यार के मजाक को इतना सीरियसली नहीं लेते। कभी तुमने अपने आप को आईने में देखा है? रोज देखता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। गलत एंगल से देखते होगे। मेरे एंगल से देखोगे ना तो मंकी नजर आओगे। देखो तो मुझे अपने नाम से बुलाओ, समझी ना? मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुला रही हूँ, मंकी। देखो मैं तुम्हें नाच के दिखाऊंगा, मैं तुम्हें गुलाटी मार के दिखाऊंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। देखो तुम मेरे पास नहीं आना, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जब तक ये मैस ठीक नहीं करती, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम मुझे नहीं जाने दोगी यहाँ से? मतलब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम मुझे धमकी दे रही हो? ओ हेलो, मैं ना यहाँ पे ये सब काम करने नहीं आया हूँ। और सुनो, ऑर्डर्स मैं किसी के नहीं लेता हूँ। नहीं सुनते तो आप सुन लो, आदत डालो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो मुझे बोलो,
तुम जैसे बिगड़े नवाबों को अच्छे से सुधार सकती हूँ। अरे वो लेक्चर, कहीं और जाके लेक्चर दो। काम बिगड़ भी जाता है ना तो ठीक करना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम बताए क्यों? क्योंकि इस काम के तुम्हें पैसे मिलते हैं। पैसे मिल रहे काम करने के, तुम्हारे बेकार के नखरे उठाने के नहीं। और वो भी कर लेती, अगर अच्छे से सॉरी बोलती ना तो ये सारा काम मैं कर लेती। लेकिन तेवर तो देखो तुम्हारे, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, आई डोंट केयर। मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। ठीक है मत करो। तो तुम्हारी पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी तुम्हारे बिना ही सेलिब्रेट होगी। देखती हूँ यहाँ से जाते कैसे हो। ठीक है, कौन से टेबल से स्टार्ट करूं? ओके, हैप्पी? या, थैंक यू। थैंक यू और सॉरी बहुत बड़े वर्ड्स है, पता है? हमें ऐसे किसी को नहीं बोलने चाहिए। मैनर्स है मुझमें। ये सब क्या, इसलिए थैंक यू बोल रहे हैं? मुझे कितनी तकलीफ होती है। जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे कोई नहीं करवा सकता। अब जाओ, जो करना है करो। तुम मुझे लेक्चर दो, तुम रो चिल्लाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। अब तुम वो करो जो लड़कियां करती हैं हारने के बाद। गुस्सा, तुम गुस्सा भी कर सकती हो, मुझे उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रणबीर, लिसन बेबी, मैं व्हाट हैपेंड हियर, व्हाट इज ऑल दिस, ये क्या ये सब? रणबीर व्हाट इज दिस? आंटी जी, वो मैं ये टेबल डेकोरेट कर रही थी और हाँ हाँ बोलो बेटा। आंटी वो मैंने, मतलब मैंने और शाहना ने ये सब ठीक कर दिया था, लेकिन रणबीर की फुटबॉल। अरे मम्मी वो मैं बताता हूँ, वो एक्चुअली हुआ क्या, मेरी फुटबॉल ऐसे ही इधर उधर भटक रही थी तो वो उसके टेबल पे लग गई गलती से और वो टेबल खराब हो गई। उसी की बेचारी माफी मांग रही है, सॉरी बोल रही है। What nonsense? ये तुमसे क्यों सॉरी कहेगी? गलती है इसकी, इसलिए। मेरी गलती कहाँ से हुई? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि टेबल यहीं पे। किसे बताती तुम्हारी फुटबॉल को, और बताती भी कैसे, क्या मतलब साइन लैंग्वेज में कि यहाँ मत आना, यहाँ पे वो सब है। तो फनी मम्मी, जोक मार दिया, पर स्टिल तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि यहाँ पे टेबल है। रणबीर, वो तुम्हें क्यों बताएगी? हम ही ने उसे ये जगह दी थी ना यहाँ टेबल लगाने, एंड ये कोई फुटबॉल खेलने की जगह है। नहीं नहीं, ओ मम्मी पापा ना किसी हॉट आंटी से बात कर रहे हैं यार। कहाँ? प्लीज मेरी मॉम की एनिवर्सरी खराब मत करो, प्लीज। उनको अगर पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया, उनको लगेगा कितना गंदा बेटा उनका, प्लीज 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 प्लीज। कहाँ, वेयर इज, कहाँ है पापा? अरे मुझे लगा पापा है, अंकल थे मेरे। तुम अपने डैड को नहीं पहचानते? वाओ, पहचानता हूँ, एक्चुअली आजकल एनिवर्सरी में बहुत यंग लग रहे हैं ना तो पहचान में नहीं आए। जोक मारना बंद करो, लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जा रणबीर। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? एंड लिसन टू मी, ये तुम्हारे फुटबॉल ने ये सब जो मैस क्रिएट किया ना उसे क्लीन करो, चलो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आंटी, मैं भी यही कह रही थी, पर इसे तो आप जानती है, जिद पे अड़ गया, मान ही नहीं रहा। क्या क्या मान नहीं रहा? कह रहा था कि मेरी फुटबॉल से सब खराब हुआ है ना तो मैं ही इसे ठीक कर देता हूँ। अब आंटी मैंने मना किया, मैंने कहा कि ऐसे कैसे, अच्छा नहीं लगेगा ना, तुम्हारे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है। तो कह रहा कि नहीं, एनिवर्सरी मेरे पेरेंट्स की है ना तो मैं ही करूंगा। कहा ना तुमने? हाँ 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 मम्मी, मैं ऑब्वियसली एनीथिंग फॉर यू। आए मिलो बच्चा, इतना समझदार कब से हो गया?
अभी से जस्ट अभी अभी हुआ है समझदार. तुम यही कह रहे थे ना. देखा तो वेट क्यों कर रहे हो. चलो शुरू हो जाओ. आप जाओ वो मैं कर लूंगा. नहीं 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 आंटी आप क्यों कहीं जा रही है. आपको कितना अच्छा लगेगा ना. आपका बेटा काम कर रहा है कितना समझदार हो गया है. आप यही बैठिए. हाँ तुम शुरू हो जाओ. एक्चुअली आई थिंक आई विल सिट एंड वॉच. हाँ यू बी सो प्राउड. हाँ गुड डिसीजन. एक मिनट आप आराम से बैठिए. बैठिए यहाँ पे बैठिए. हाँ अब देखिए मैं भी आपको कंपनी दे देती हूँ. आई थिंक आई शुड गो हेल्प. अरे नहीं नहीं आज आपका दिन है. आप हेल्प करेंगी आपके बेटे को अच्छा नहीं लगेगा. अरे रहने दीजिए सर कह रहे हैं उन्हें अच्छा नहीं लगेगा. आप जाइए आप वहाँ करिए जाइए. आप रणबीर वो जरा ठीक कर दो. ऑफ कोर्स प्राची. बहुत अच्छे से कर रहा है. थोड़ा जल्दी टाइम नहीं है ना. हाँ हाँ. ही इज वेरी स्वीट. आई एम टेलिंग यू गाइस आज कुछ बड़ा होने वाला है. समथिंग वेरी स्पेशल. पर होने क्या वाला है. आई एम गोइंग टू प्रपोज रिया. ओए वो तो नहीं पता बट यू नो फील वाइब्स. मेरे इंस्टिंक्ट्स कहते हैं कि समथिंग इज गोना हैपन. देयर रिया. She's looking so pretty, so lovely. जैसे मेरा भाई. भाई. हाँ भाई. मेरा भाई. There. देखो मेरा भाई भी pretty लग रहा है. Rude, what? पर मुझे तो वो गुस्से में लग रहा है. कहीं ऐसा तो नहीं भाई ने रिया को प्रपोज किया और रिया ने रिजेक्ट कर दिया. Hello girls. Hi. Riya, क्या बोला तुमने. About what? About nothing. Forget. By the way, you're looking very pretty. You guys looking pretty too. Hi guys, hi guys. Thank you. Mishti, तुमने रणबीर को देखा है. हाँ भाई वो उधर है. Thank you so much. I'll see you guys later. Bye 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 bye. भाई मैं बंदर मंकी जैसा दिखता हूँ क्या. किसने बोला देखो. नहीं वो किसी ने बोला नहीं. मैंने चलते फिरते लोगों को बातें करते हुए सुन लिया कि हम बंदर के वंश हैं. अच्छा मुझे लगा मेरी बंदर जैसी तो शक्ल है ना. तुझे पता है तुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता. तू ये चीज समझता क्यों नहीं है यार. तू मेरा भाई है यार. अंडरस्टैंड. कोई तुझे कुछ भी बोले कोई तुझे कुछ भी सुनाए तो उसको उल्टा सुना. और तो कोई बंदर बंदर जैसा नहीं दिखता. यू आर अ हैंडसम हंक कूल ब्रदर. तुझे कोई कुछ भी बोलेगा मेरी इमेज पे फर्क पड़ेगा. सो अंडरस्टैंड दिस. What nonsense? Problem क्या है इन लोगों की? किन लोगों की? तुम वापस आ गई? मुझे लगा आपको किसी चीज की जरूरत होगी इसलिए मैं वापस आ गई. मुझे कुछ नहीं चाहिए. हाँ मुझे चाहिए. क्या? मुझे जवाब चाहिए कि लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं. ऐसे मेरे साथ ही क्यों बिहेव करते हैं. पहले प्राची ने मुझ पे ड्रिंक गिराया था. चल उसका समझ में आता है. शी इज अ किड. पर उसकी माँ ने मुझ पे हो बेशी. उसने मुझ पे आटा गिराया ना. मैं उस पर बेसन गिराऊंगा. बेसन. बेसन नहीं गिराऊंगा. मैं उस पर सूजी गिरा दूंगा. दाल गिरा दूंगा. कुछ भी गिराऊंगा. नहीं आटे का बदला आटा. अभी आटा गिरा करा दो उस पे. अभी प्लीज. व्हाट आई मीन मिस्टर मेहरा. व्हाट मिस्टर मेहरा. तुम्हें पता है मेरे लिए कपड़े सिलेक्ट करना कितना मुश्किल काम है. चलो वो तो फिर भी सिलेक्ट कर लूंगा लेकिन तीन बार दिन में कौन नहाता है. एक बार सुबह को नहाया था. एक बार पार्टी से पहले नहाया था. आटे की वजह से दोबारा नहाना पड़ा. और आटा निकालने में पता है कितना पानी वेस्ट होता है. You don't think that's a serious problem? दुनिया में पानी नहीं बचा है. अगर मैं इसी तरह नहा नहा के पानी वेस्ट कर दूंगा तो हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या पेगी. You all don't get it, man. मैं क्या हुआ. What are you looking at me like that? मैंने आपको कभी ऐसे गुस्सा होते हुए नहीं देखा. क्या मैंने कभी गुस्सा नहीं किया. किया है लेकिन ये कुछ अलग है. कुछ अलग नहीं है. गुस्सा गुस्सा होता है बस. गुस्सा दिलाने वाला अलग होता है. उस ब्रज की माँ ने तो मुझे. मैं छोड़ूंगा नहीं उसे. अरे प्लीज शी इज अ वेरी स्वीट वुमन. व्हाट वेरी स्वीट वुमन. स्वीटनेस का मैं अच्छा डालूंगा क्या. और ज्यादा स्वीटनेस बिना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. मुझ पर आटा डाला उसके बाद सॉरी भी नहीं बोला और तुम उसकी साइड ले रही हो. वो तुम सब प्लीज.
गया इन्हें? कुछ गुस्सा तो हमेशा होता है, लेकिन आज तो कुछ अलग ही है। ऐसे कितने क्यूट लग रहे थे गुस्सा होकर। बेचारी प्राची की मॉम, पता नहीं क्या कह देंगी उन्हें। आपकी गाड़ी का दरवाजा खुला है, आंचल बाहर लटक रहा है आपका। आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना गाड़ी में बैठने के बाद कि दरवाजा ठीक से बंद हुआ है या नहीं। ऐसे ही होते हैं ना एक्सीडेंट्स, कुछ हो जाता तो। पर क्या पता वो इन्हें कुछ बोलने ही ना दे, फिर तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मिस्टर मेहरा की बोलती किसी ने बंद कर दी।